हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ हेतल गोस्वामी फ्रॉम माँ आशापुरा विद्या संकुल। टुडे वी विल लर्न स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी एंड अवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन। यहाँ पे हमने इसका जो आधा चैप्टर है वह हमने पढ़ लिया है, जिसके हम कवि के बारे में जाने तो रामधारी सिंह दिनकर दिनकर है, वह उनका उपनाम है और उनका जन्म है 1908 में, उनका अवसान है वह 1974 में हुआ। हिंदी भाषा के वह सुप्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रश्वंती, कुरुक्षेत्र जैसी काव्य कृतियों की रचना उन्होंने की है। इसी तरह ही उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किन चीज़ के लिए कि तब उन्होंने उर्वशी नाम की जो काव्य कृति है वह रची थी। इस प्रस्तुत कविता में उन्होंने क्या लिखा है तो देखें तो रश्मिभरती महारथी कर्ण के जो करुण हिंदू भव्य जीवन की मीमांसा इन्होंने इस काव्य में आत्मकथा खंड में उन्होंने की है। यहाँ पे अंत में जब पांडव क्षेत्र के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है तो जिस तरह से जो कर्ण है वो किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को आंसर देते हैं उसकी यहाँ पे उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है उसकी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, मैंने आपको पेज नंबर 12 में जितने भी लाइन्स हैं वह क्लियर कराई हैं, फिर भी एक बार हम उसे रिपीट करें तो पहली लाइन में क्या था कि कर्ण है वह भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि धन और दौलत है वह संसार को सुख और भोग तो दे सकता है पर शांति दे पाता नहीं है, अपने जीवन की परवाह नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे अपना जीवन है वह अच्छी तरह से बिताना है। कर्ण है वो किस चीज़ के लिए प्रिय है तो दान देने के लिए प्रिय है, तो उसे दान देना अच्छा लगता है। वो क्या कहते हैं वो कि मनुष्य के पास अगर इतना सब कुछ हो तो उसे दान करते ही रहना चाहिए। इसी तरह है सेकंड लाइन में क्या था, वह केशव को कहते हैं कि जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह उसे पांडव की ओर आने के लिए समझाने आए थे कि आप हमारी ओर आ जाइए पांडव की ओर। तब जो कर्ण है वह उसे आंसर देते हैं और कहते हैं कि यह तो सिर्फ तुच्छ वस्तु है, आप मुझे जिस राज्य का प्रलोभन दे रहे हैं, जिस राज्य में आप मुझे आने की बात कर रहे हैं वह बात तो गलत है। वैभव पाकर मनुष्य को कुछ भी नहीं मिलता, क्या मिलता है तो वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं मिलती हैं, सिर्फ नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है और थोड़ी बहुत चमक दमक भी मिल जाती है, पर ये सब थोड़े समय के लिए ही यह सुख भोग मिलते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए हमें हमारी जो सारी अच्छी चीज़ें हैं वह हमें छोड़नी पड़े, यह तो गलत बात है। इसी तरह है तीसरा उसकी लाइन, इसमें क्या है कि कर्ण है वह श्री कृष्ण को वापस से कहते हैं कि मनुष्य को सोने के लिए सोने का भार नहीं होना चाहिए। अभी अगर उसके पास ढेर सारा वैभव संपत्ति है, धन संपत्ति है, तो क्या बोल रहे हैं मनुष्य को ये ढेर सारे जो सुख और वैभव के जो चीज़ें हैं वह नहीं मिलती। कभी कभी क्या होता है लोगों को बांटने के लिए धन की प्राप्ति करनी चाहिए, अगर उसके पास इतना सारा धन और वैभव है तो उसे किस चीज़ में लगाना चाहिए, दान देने में। सभी जो गरीब लोग हैं उनकी इच्छाएं पूरी करने में इस दान यह सारी चीज़ों को उसे लगाना चाहिए। उसके बाद लाइन थी कि सोने की चमक दमक है वह राजमहलों की चोटियों पे कौन बैठे हैं तो कबूतर बैठे होते हैं उनकी तरह है, मैं तो गरुड़ की तरह हूँ, गरुड़ है वह सारे पक्षियों का राजा माना जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है ऐसे पक्षियों के जो राजा हैं वह तो महलों में नहीं रहते, कहाँ रहते हैं खुले आसमान में वह विचरते हैं और पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं वहाँ पर वह रहते हैं। इसके बाद लाइन थी कि धन और दौलत है वह सबको सुख का गुलाब बना देती है, क्यों कि मनुष्य अपना तप और तेज खो देता है, जब उसके पास धन संपत्ति आती है तो उसका अभिमान है वह कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। इसके कारण कर्ण है वो कहते हैं कि ये ढेर सारी चीज़ें अगर मेरे पास आए हैं तो वह मेरे कुछ काम की
नहीं है। आज नई लाइन देखिए पेज नंबर 13 में, चांदनी पुष्प छाया में चल नर गले बने सुमदर कोमल, पर अमरूद क्लेश का पिए बिना आतक अंदर में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता विघ्नों को नहीं हिला सकता। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, चांदनी और फूल की छाया की बात की गई है, यानी कि सुख और दुख की बात की गई है। अत्यंत सुख सुविधाएं मिल जाए तो भी अच्छी बात नहीं है, इसकी यहाँ पे बात की गई है। मैं पलट कर मनुष्य की सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत लिए बिना, दुख और आंधी सहे बिना, नहीं पुरुष कहला जाता है और ना ही विघ्नों को पार किया जा सकता है। अगर मनुष्य को पास अगर सुख और दुख दोनों ही आने चाहिए, तभी उसे अपना जीवन है वह अच्छी तरह से बिता सकता है। ना ही कि सुख और वैभव मिल गया तो वह अच्छी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को कर्ण है वह कहते हैं कि अगर मेरे पास इतना वैभव और सुख आ जाएगा तो वह मेरे कुछ भी काम का नहीं है। अगर कोई मनुष्य के पास ढेर सारा धन और वैभव आ जाए तो वह गलत बात है, क्यों? अगर उसने कभी भी दुख को नहीं देखा तो यह वह मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं है। वह पुरुष नहीं कहला, अब यहाँ पे कहला सकता है, यानी कि जो मनुष्य सुख और दुख अगर देखे तो वही सही बात है, ना कि सिर्फ सुख को देखे तो वह पुरुष नहीं कहलाता। नेक्स्ट लाइन देखें, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो भारी भ्रमातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग गोजन जिसका, ये भी कणी बंद छुड़ाते धरती का हृदय जुड़ाते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात की गई है कि अब देखें तो यह है कड़वा नंबर 7, जिसमें जो कर्ण है वह किसे बोलते हैं, कहते हैं कि आदि और तूफान है, वह तो जीवन में आते ही रहते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, तो ये सारे भी आदि और जो है वो क्या करेंगे, हम इसका प्रपातों को पानी पीते ही सारा आकाश जिसका घर है उसे हम विषैले सांप की जिनका भोजन है, ऐसे घरों को सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती की हृदय को शीतलता दिलाते हैं। अब यहाँ पे कौरव और पांडवों की बात की गई है, कर्ण ने अपने आप को गरुड़ की तरह बताया, किस तरह से गरुड़ की तरह दिखाया, और वो क्या कहते हैं, अगर आप मुझे जो फेर यहाँ पे वर्ड है कौन सा, अही पास यानी कि फणिबंध जो भुजंग है, सर्प की बात की गई है, अगर आप मुझे सर्प की तरह बांध के रख देंगे तो इसका जहर है वह मेरे में फैल जाएगा, इसका विष है वह मेरे में फैल जाएगा, यह तो गलत बात है। इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, गरुड़ जिस तरह से सांप को खा जाता है उसी तरह मैं अपना जो जीवन है वह अच्छी तरह से बिताना चाहता हूँ, ना कि मैं किसी भी बंधनों में बंधना चाहता हूँ। अब है लास्ट लाइन, मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारी आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, ये ही फणी बंध चुराते धरती का हृदय चुराते हैं। अब लास्ट लाइन में हम देखें तो क्या कहा है, हे कृष्ण मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए, इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह से उसे छोड़ नहीं सकता, मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। अब यहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण है वह कर्ण के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि अब तुम पांडवों की ओर आ जाओ, तब कर्ण उसे बहुत कृष्ण है वह उसे कहते हैं कि आप पांडवों की ओर आ जाए, तब कर्ण उसके आंसर में देते हैं कि ऐसा मुझे सुख और वैभव नहीं चाहिए जो मुझे अपने कार्य करने से रोके, मैं तो गरुड़ की तरह हूँ, आप मुझे क्या करें कि मुझे अभी दुर्योधन है वह भयंकर विपत्ति में है, उसके ऊपर युद्ध मंडरा रहा है, तभी उस समय मैं उसे छोड़ सकता नहीं, तो आप मुझे वहां आने के लिए ना बोले, मैं युद्ध क्षेत्र में उतरता हूँ और दुर्योधन को नागपाश से काटता हूँ, दुर्योधन के ऊपर चारों ओर जो नागपाश आया हुआ है उसे मैं काटना
चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पे कर्ण की बात की गई है कि कर्ण किस तरह से अपनी जो एक बात है कि उसे किस दिशा की ओर जाना है वह उसे पता है। अब हम देखें यह चैप्टर है वह आज क्लोज होता है। इसकी जो शब्दार्थ और टिप्पणी है वह आपको नोटबुक्स में लिखने हैं और इसकी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी है। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।